चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शहबाज हुकूमत बनने दी और इमरान खान को सहाफी सुहेल बड़ाइच ने बड़ी खबर दे दी। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के हवाले से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ के तौर पर बड़े कंफ्यूज रहे हैं, कोई वाजे लाइन इख्तियार नहीं कर सके। इमरान खान ने असेंबली तोड़ी तो रात को अदालत लगाकर उसको स्टे दे दिया। शहबाज हुकूमत बनने दी, उसको चलने दिया और दूसरी तरफ उसी शहबाज हुकूमत के खिलाफ फैसले दिए मगर उन पर अमल न करा सके। उन्हें फैसले सुनाने चाहिए थे, बेशक उन पर अमल दरामद न होता। जज का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि अमल हुआ कि नहीं, वो सिर्फ फैसले देता है। सीनियर सहाफी सुहेल बड़ाइच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे आइन मुल्क सियासी निजाम पर सबकत हासिल करता है। शहबाज हुकूमत उन्होंने ही बनाई, इसके बाद मसाइल का भी उन्हीं को सामना करना था। जस्टिस उमर अता बंदियाल बुनियादी नुकात पर फैसला ही नहीं कर सके कि वो मुल्क को डायरेक्शन दे रहे हैं तो क्या वो कन्फ्यूज थे? उनका कोई नुक्ता नजर नहीं था। मुल्क की आज सियासी मुआशी सूरत हाल काफी अबतर है। कुछ पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं, सियासत किधर जाएगी कुछ पता नहीं। इसमें जहां और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस अता बंदियाल ने भी अहम रोल अदा किया।